तो वेलकम है दोस्तों, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा ऐसी हिंदी कंपोजिशन का आज हम लोग जानने वाले हैं सब कुछ। सब कुछ माने सिलेबस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तीनों जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आप सभी जानते हैं मेरा नाम है सागर, ठीक है, और हमारे दो चैनल हैं यूट्यूब पर, एक है सागर साहु और एक है ज्ञान सागर। तो इसमें जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में हिंदी कंपोजिशन का सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि क्या पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए आपका जो है क्वेश्चन पेपर कुछ इस टाइप से रहता है। यह पेपर दो भागों में बटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिट वन और यूनिट टू। यूनिट वन जिसे इकाई वन हिंदी में बोलते हैं, इसमें आपको हिंदी व्याकरण के बारे में जानना है। हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना होगा, तो हिंदी व्याकरण और रचना है इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, फिर है हमारा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। इतने सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है यूनिट वन में। यूनिट टू में क्या पढ़ना है, तो यूनिट टू में पढ़ना है आपको प्रमुख प्रशासनिक पारिभाषिक शब्द एवं उनके अनुवाद, ठीक है, और ये हिंदी से अंग्रेजी व अंग्रेजी से हिंदी, वाक्य शुद्ध, ठीक है, पत्र लेखन, आवेदन, निबंध लेखन, ये सारे चीज़ आपको पढ़ने हैं। अब चलिए देख लेते हैं जी, हमने तो सिलेबस जान लिया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं, फिर जानेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ये है हमारा यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी व्याकरण के जनक कौन है, तो दामोदर पंडित जी को हिंदी व्याकरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है हमारे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, पाँच को भेद है, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के हमारे छः भेद होते हैं। उसी तरह विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण के चार भेद हैं, ठीक है, आपको देख लेना है कि क्या क्या भेद होता है। क्रिया के कितने भेद हैं, दो भेद हैं जी, अकर्मक सकर्मक। फिर है संधि के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। नेक्स्ट है समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के भी छः भेद होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययभाव, द्वंद्व, द्विगु, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पूछा गया है कि लंबोदर में कौन सा समास है, ठीक है, एक मिनट, अरे भाई एक पेज मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं। लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर में जो है हमारा बहुव्रीहि समास है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पीताम्बर, नीलकंठ, ठीक है, दशानन, इनमें कौन सा समास है। देखिए पीताम्बर यानी कि यहाँ पे मैंने नहीं बताया, लंबोदर मतलब होता है लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब होता है पेट, ठीक है, और बहुव्रीहि समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर एक नए पद अर्थ की ओर संकेत करते हैं, उसे ही बहुव्रीहि समास बोलते हैं, अर्थात लंबोदर मतलब गणेश भगवान, ठीक है। उसी तरह से पीताम्बर यानी कि पीला है अंबर जिसका, यानी कि विष्णु भगवान। नीलकंठ, नीलकंठ तो हम लोग बोलेंगे नीला है कंठ जिसका, माने शिव जी, ठीक है। तो देखिए नीलकंठ सुनने में तो लगता है कि एक शब्द है, लेकिन इसका अर्थ निकलता है बिल्कुल अलग, ठीक है। दशानन यानी कि दस है आनंद जिसके, आनंद मतलब होता है मुख, दस का मुख किसका है, रावण का, ठीक है। इसी तरह ये सभी हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, आप लोगों को देख लेना है और, ठीक है। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि की भाषा क्या है, तो देवनागरी लिपि की भाषा हिंदी संस्कृत, ठीक है, मतलब हिंदी संस्कृत की भाषा देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि की भाषा क्या है, या फिर देवनागरी लिपि किस भाषा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हिंदी भाषा की भी लिपि देवनागरी है, संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट संधि के कुछ उदाहरण, जैसे कि विद्यालय का होता है विद्या जोड़ आलय, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर कैसे, तो अ जो है ओ आहार सही दुर्गा, ये सब स्वर वर्ण है जी, और क ख ग घ ये सब क्या है आपका, ये सब है आपका हिमालय, दीर्घ संधि, हिम जोर आलय, ठीक है। संधि को थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे भी थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है, मतलब समझने की। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, तो इसमें हमारा है शुद्ध और अशुद्ध वाले वाक्य, ठीक है। राम ने मुझे चाईबासा दिखाया, अरे भाई गलत है, सही क्या है, राम ने मुझे चाईबासा दिखाया, तो यहाँ पे अंतर क्या है देखिए, ठीक है। तो देखिए ई जो ई है हर्षई और यहाँ पे या है, ठीक है, ये अंतर है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा लता बड़ा मीठा गाता है, तो क्या गाता है, नहीं, लता बड़ी मीठी गाती है, चाहे बड़ा मीठा गाती है,
ठीक है, दोनों सही होगा, ये भी गलत है। तो गलत सही क्या है, लता बड़ा मीठा गाती है। ठीक है, तो ये हिंदी में शुद्ध अशुद्ध वाले थोड़े से कंफ्यूजन करेंगे आपको। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जो एक पेज आगे में छूट गया था उसको पीछे में एडजस्ट किया गया है। ठीक है, जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग, और पीछे में अगर जुड़ के परिवर्तन करे तो प्रत्यय बोलेंगे। ठीक है, फिर हमारा सागर सो रहा है, गाड़ी दिखाई देती है, सूरज निकल रहा है, इनमें कैसे क्रिया है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है, यानी क्रिया के साथ काम नहीं है, सोना कोई काम है नहीं है। ठीक है, गाड़ी दिखाई दे रहा है तो कोई काम है नहीं, गाड़ी चलाना काम है, दिखाई देना क्या काम है, सूरज निकल रहा है, ठीक है, तो ये भी कोई काम नहीं है, तो हमारे ये सब हो गए अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है हमारा, अब जैसे कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया, क्योंकि उसका एक्शन कर रहा है बॉडी, ठीक है, बॉडी मूवमेंट कर रहा है, शरीर जो है उसका काम कर रहा है, तो जब कर्ता के क्रिया के साथ काम हो तो उसे सकर्मक, जब क्रिया के साथ काम नहीं होता है तो उसे अकर्मक। नेक्स्ट है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, तो उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया था 50 मार्क्स का प्रीवियस ईयर में 2023 में, यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, इसको माइंडेड कीजिए, ठीक है, इग्नोर कीजिए इसको, क्योंकि 22-26 सेशन था उस टाइम पे, आप लोग का 23-27 है, और आने वाले फ्यूचर में अगर 24-28 के भी कैंडिडेट देख रहे होंगे या फिर 25 में भी देख रहे होंगे, तो उन सब के लिए काम देगा। ठीक है, AEC एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी कंपोजिशन फर्स्ट सेमेस्टर सेट टू, सेट वन का वीडियो मैं कुछ घंटों बाद दे दूंगा। ठीक है, अभी रिकॉर्ड करके रखूंगा और काम करने के बाद खाली टाइम में आप लोग को दे दूंगा। फुल मार्क्स है 50, और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको लाना होगा 20 मार्क्स, टाइमिंग रहेगा 2 आवर, ठीक है, 2 घंटे। क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है आपका यहाँ पे 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन ग्रुप ए। इसमें पहला है कि प्रत्येक, प्रत्येक एक शब्द है, ठीक है, इस शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग प्रत्येक क्या है, प्र उपसर्ग है, ठीक है, प्र जोड़ एक बराबर हो जाता है प्रत्येक, तो प्र यहाँ पे हमारा उपसर्ग है, तो प्र क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से पूछ देगा कि कोई वर्ड और इसमें प्रत्येक क्या है और उपसर्ग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है नयन, नयन संधि विच्छेद करना है, तो नयन का होता है ने जोड़ अन, ने जोड़ अन बराबर नयन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पवन बहुत तेज दौड़ता है, कौन सा विशेषण है इसमें आपको बताना है। तो देखिए, पवन जो है संज्ञा हो गया, ठीक है, पवन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, और दौड़ बहुत तेज जो है क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है कि क्रिया कैसा हो रहा है, बहुत तेज गति से हो रहा है, दौड़ना क्या है विशेषण है। ठीक है, दौड़ना क्या है विशेषण है, और किस प्रकार का विशेषण है, तो रीतिवाचक विशेषण है, जिसको हम लोग गुणवाचक विशेषण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर। अगर कहीं पे संख्या का बोध हो, जैसे पवन के पास 10 रुपये हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, परिणाम जिसमें आपका परिणाम निकलता है कुछ, तो उसमें परिणाम वाचन। नेक्स्ट है हमारा वीरत्व, कैसा शब्द है, तो वीर, प्रेम, लोभ, छाया, ठीक है, अच्छा, घृणा, प्रेम, ये सब आपके किस प्रकार के संज्ञा हैं, तो भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के पांचों भेद जान लेना है आपको अच्छे से थोड़ा सा। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक इसमें नहीं दिया है, उसको भी देख लीजिएगा। और एक आपका इंग्लिश का वर्ड आएगा कुछ इस टाइप से, जैसे यहाँ पे पूछा गया है नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है, तो देखिए नोटिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो नोटिफिकेशन का मतलब होता है हमारा अधिसूचना। उसी तरह से पूछ सकता है कि ऑफिस का हिंदी क्या होता है, ऑफिस का हिंदी होता है कार्यालय, क्लर्क का हिंदी होता है किरानी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी होता है प्रशासन, ऐसा आपको आ सकता है कुछ। ठीक है, और भी आप लोग वर्ड याद कर लीजिएगा कुछ कुछ, जैसे ऑफिस के, उसके बाद आपका बहुत सारा वर्ड होता है यार, क्या क्या बताएं। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा बतलाते हुए उसके भेदों को सोदाहरण वर्णन कीजिए, मतलब कि संज्ञा की परिभाषा बताइए, संज्ञा किसे कहते हैं, फिर उसके भेद बताइए पांचों, और फिर प्रत्येक को उदाहरण सहित आंसर कीजिए।
15 मार्क्स वाले हैं, प्रत्येक का आंसर आप लोग दो खड़ा पन्ना में कीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा, समाज की परिभाषा बतलाते हुए उसके भेदों को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। पहले समाज की परिभाषा बताइए, फिर उसको उदाहरण सहित उसके भेदों को बताइए। समाज किसे कहते हैं? समाज के 6 भेद होते हैं। अगर आप इसको बनाते हैं ऊपर वाले को, तो फिर नीचे वाले को नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि अथवा में है, दो में से किसी एक को ही बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि आपके क्षेत्र में सड़कों पर जल जमाव की ओर ध्यान आकृष्ट करना है और नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। देखिए, शहर में होता है नगर निगम, गांव में होता है पंचायत, ठीक है। तो शहर या नगर निगम या फिर पंचायत, सेम आपका उसी टाइप से दिखाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर आप इसको भी नहीं बना पाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, तो इसको बनाइए, ठीक है। इसमें क्या है, अथवा में से किसी एक को ही बनाना है कि आपके महाविद्यालय में खेल संबंधी सामग्री की व्याख्या करने की स्कूल सचिव को पत्र लिखिए, ठीक है। सचिव होता है जी स्कूल में, तो सचिव को बताना है कि हमारे यहाँ फुटबॉल ग्राउंड नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, आए खाली झूठ मूठ का बल जैसा एकदम घुसा देते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, लिखना है थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है, कि बिन खेल का मनुष्य का अस्तित्व उसी समान है जिस तरह से एक पशु का समान है, ठीक है। पशु भी उससे अच्छा जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि पशु हमेशा खेलते रहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शहर में बढ़ते हुए प्रदूषण की चिंता प्रकट करते हुए प्रभात खबर संपादक को पत्र लिखे। यहाँ पे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हिंदुस्तान। नेक्स्ट है हमारा, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। और पहला है हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग तथा वैश्विक तापमान, ठीक है, मतलब एक ही चीज़ हुआ दोनों। तीसरा है नई शिक्षा नीति 2022, भारत का कौशल विकास, पर्यावरण प्रदूषण, डिजिटल इंडिया, किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन। तो ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से कुछ आएंगे, ठीक है, पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। और एक है सेट 2, उसको भी मैं दिखा दूंगा। जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी को घर में प्रैक्टिस कर लीजिए आज 3 घंटा, और एक पेपर दूंगा उसको भी 3 घंटा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 6 घंटा पढ़ के जाइए, गर्दा उड़ा दीजिएगा, एकदम धुआं धुआं कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पानी प्यास भी लग गया, ठीक है, बाय बाय। और एक चीज़, हाँ मैं भूल जाता हूँ, आप लोग एग्ज़ाम देने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा, 89 86 60 75 41, ठीक है, इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के जो, देखिए आज आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर 3 डेज बाद आप लोग के कुछ कैंडिडेट का बाद में एग्ज़ाम होगा, तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है, और एक दूसरे के हेल्प करेंगे ना तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही जो आने वाले फ्यूचर के कैंडिडेट रहेंगे उन सभी का भी हेल्प होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों का प्रयास और हमारा प्रयास साथ में मिलता है, तभी जाके हमारा स्टेट आगे बढ़ रहा है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।